What's up everyone? स्वागत है आप सभी लोगों को नो इन शॉर्ट के एक नए एपिसोड में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वीडियो स्टेबिलाइजेशन के ऊपर। दोस्तों अगर आप सिनेमेटिक वीडियो शूट करना चाहते हो तो स्टेबल वीडियो के बिना आप कभी सिनेमेटिक वीडियो क्रिएट नहीं कर पाओगे। इसीलिए शूट करते समय या फिर पोस्ट प्रोडक्शन में आपके वीडियो को स्टेबल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो स्पेसिफिकली एंट्री लेवल के जो वीडियोग्राफर्स हैं उनके लिए है जिनके पास हाई एंड के गियर्स नहीं है, जो अपने मोबाइल का यूज करके वीडियो शूट करते हैं, चाहे वो व्लॉगिंग वीडियो हो या फिर कोई दूसरा वीडियो हो एंड उसमें सिनेमेटिक सीक्वेंस का यूज करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे वो टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिसके मदद से आप अपने फुटेजेस को स्टेबल बना सकते हो एंड पोस्ट प्रोडक्शन में आप सिनेमेटिक वीडियो क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या ऐसे चीजें हैं जिसको आपको शूट करते समय ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी आपको नॉर्मल ग्रिप में शूट नहीं करना चाहिए, आपको प्रेफरेबली रिवर्स ग्रिप का यूज करना चाहिए क्योंकि अगर आप रिवर्स ग्रिप के साथ शूट करते हो तो आपका जो वीडियो है वो काफी हद तक स्टेबल हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है ट्राइपॉड का यूज करना, लेकिन ट्राइपॉड में कुछ ड्रॉबैक्स हैं। अगर आप सिंपल पैनिंग मूवमेंट वाले शॉट्स लेना चाहते हो या फिर टिल्ट मूवमेंट वाले शॉट्स लेना चाहते हो तो ट्राइपॉड आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर सपोज आप शूट करना चाहते हो कि फॉरवर्ड मूव करके शूट करना चाहते हो या फिर बैकवर्ड मूव करके आप शूट करना चाहते हो तो उस केस में आप ट्राइपॉड का यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप स्टेबल फुटेज लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ट्राइपॉड का यूज कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि मैंने पहले के वीडियो में बताया हुआ है कि सिनेमेटिक शॉट्स के लिए हमेशा आपके वीडियोज को 24 FPS में शूट करना चाहिए, लेकिन अगर आप स्टेबल वीडियो शूट करना चाहते हो तो प्रेफरेबली आप हाई फ्रेम रेट में शूट करें एंड पोस्ट प्रोडक्शन में उस वीडियो को आप 24 FPS में कन्वर्ट कर दें। क्योंकि अगर आप 60 FPS में शूट करोगे एंड उसको पोस्ट प्रोडक्शन में आप 24 FPS में कन्वर्ट करोगे तो आपका वीडियो जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा एंड एक स्लो डाउन वीडियो में जो स्टेबिलाइजेशन लेवल है वो नॉर्मल लेवल से काफी अच्छा होता है। तो शूट करते समय इन तीनों चीजों का ध्यान आपको रखना है। अभी बात करते हैं कि पोस्ट प्रोडक्शन में आप एक वीडियो को स्टेबल करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हो। दोस्तों आजकल का जो मोबाइल है उसमें इनबिल्ट स्टेबिलाइजेशन के ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि मैं यूज करता हूँ MI A2, आप देख सकते हैं इसमें स्टेबिलाइज का ऑप्शन है। जैसे मैंने वीडियो को शूट किया तो यहाँ से क्लिक करके मैं वीडियो को स्टेबल बना सकता हूँ। उसके बाद आप नॉर्मली जिस सॉफ्टवेयर में एडिट करते हैं चाहे वो मोबाइल में हो या फिर आपके डेस्कटॉप में हो वहां पे आप एडिट कर सकते हो। दूसरा, अगर आपके मोबाइल में स्टेबिलाइजेशन का ऑप्शन नहीं है तो आप पावर डायरेक्टर ऐप का यूज कर सकते हो। आप देखेंगे कि पावर डायरेक्टर में स्टेबिलाइजेशन का ऑप्शन है जिसके मदद से आप वीडियोस को स्टेबल कर सकते हो एंड सिंपली वहां पे आप एडिट करके वीडियो प्रोड्यूस कर सकते हो। अभी बात करते हैं कि जो लोग डेस्कटॉप का यूज करते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए तो वहां पे कौन कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पॉपुलर जो ऐप है वो है फिल्मोरा। ओके, फिल्मोरा के अगर पुराने वर्जन में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर नया वर्जन आपके पास है तो वहां पे आप देखेंगे कि जैसे ही आप वीडियो को इंपोर्ट करते हो तो वहां पे राइट क्लिक करते ही वहां पे स्टेबलाइज का ऑप्शन आ जाता है, तो वहां से आप वीडियो को स्टेबल कर सकते हो एंड उसके बाद एडिटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप प्रीमियर प्रो का यूज करते हो तो आप देखोगे कि वहां पे वर्क स्टेबलाइजर करके एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन के मदद से आप वीडियोज को स्टेबल कर सकते हो। तो पोस्ट प्रोडक्शन में आप इन्हीं सारे चीजों का यूज कर सकते हो चाहे वो अपने मोबाइल में हो या फिर अपने डेस्कटॉप में हो एंड इनके मदद से आप स्टेबलाइज वीडियो अचीव कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि वीडियो स्टेबलाइजेशन के ऊपर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस तरह का वीडियो आप लोग लाइक करते हैं, मैं उस तरह का वीडियो लाने के लिए कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलता हूँ एक नया वीडियो के साथ मेरे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।